भारत की बात करें तो पीएम मोदी ये जो है वो उसके रशिया भी बाद जा रहे हैं। बहुत उस पर इंटरेस्टिंग मेरी रिसर्च है उसके ऊपर। इस वक्त रशिया और चाइना के रिलेशनशिप को लोग कहते हैं फ्रेनेमीज, फ्रेंड भी हैं और एनिमी भी हैं। लेकिन साथ ही साथ इंडिया एक काम ये कर रहा है कि किस तरह मॉस्को को बीजिंग से दूर रखना है। ये तो अब एक बहुत ऑब्वियस, बहुत जाहिरन चीज हो गई है, क्योंकि उन एक्साइजेस के बाद रशिया का बयान आ गया था और ये छपा था कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं, दोज आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। वहां पे हुआ क्या है, इस वक्त रशिया दो चीजें उनकी है इस वक्त ख्वाहिश, कि हमारे दरवाजे पे हमारे नजदीक नेटो की एक्सपेंशन ना हो। दूसरी उनकी ख्वाहिश ये है कि वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो बाल्टिक स्टेटों में जो पहले रशिया का हिस्सा थे उसके आसपास ना आए, चाइना इन्फ्लुएंस गेन ना करे। और चाइना नहीं चाहेगा कि उसकी दादागिरी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज हो। उसे लगता है कि अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ता जा रहा है और जो सारा वैक्यूम है वो चाइना ही भरना चाहिए, उसमें भारत नहीं आना चाहिए। अगर कोई चाइना को कंपटीशन दे सकता है वो भारत है। पगडंडी के हर मुल्क की एक सॉवरेन पॉलिसी होती है, और भी हमने हमने सबसे पहले जो गलतियां की ये थी कि वी विल नेवर स्ट्रॉन्ग इन अ रीजन एंड इन इन अपने हमसाये के अंदर। और इन्हें भी मालूम है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, चाइना को भी, कि अगर मोदी जी पुतिन को मिलने जा रहे हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं, और इसी बात की खलबली चाइना को भी है कि भारत वो सारी जो नेगोशिएशन की जो स्पेस है वो फिल करता जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और खास तौर से चाइना मीडिया के अंदर भी एक चीज़ जो चर्चा हो रही है, और वह है मोदी जी का रूस का दौरा। और क्योंकि मोदी जी का रूस का यह दौरा रूस यूक्रेन युद्ध के स्टार्ट होने के बाद पहली बार हो रही है, जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान चाइना बल्कि खास तौर से जो वेस्ट है अमेरिका, उसकी भी नज़र है। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका यह चाहता है कि रशिया एक प्राय स्टेट बन जाए, यानी उससे कोई डील ना करे। लेकिन ऑब्वियसली भारत की बात करें तो भारत ने दुनिया को यह साफ बता दिया है कि रशिया भारत का एक अभिन्न दोस्त है। भारत रूस को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि रूस और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है न सिर्फ बरसों पुराना है, बल्कि उसी के साथ साथ रूस और इंडिया के बीच में ट्रेड के साथ साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, और उसी के साथ साथ रूस भारत के लिए महत्वपूर्ण और भी हो जाता है, और उसकी बजाय चाइना, क्योंकि रूस और भारत दोनों के ही बॉर्डर चाइना से लगते हैं, और बॉर्डर को लेकर के चाइना के रूस और इंडिया दोनों के साथ ही इश्यूज हैं। तो ऐसे में रूस और इंडिया की फ्रेंडशिप चाइना को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। सर, जाहिर है कि अमेरिका के साथ और बहुत सी कंट्रीज का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो पीएम मोदी ये जो है वो रशिया भी जा रहे हैं। बहुत उस पर इंटरेस्टिंग मेरी रिसर्च है उसके ऊपर। इस वक्त रशिया और चाइना के रिलेशनशिप को लोग कहते हैं फ्रेनेमीज, फ्रेंड भी हैं और एनिमी भी हैं। मैंने एससीओ के बारे में पढ़ा पूरा, एससीओ बहुत अच्छा किया जो मोदी साहब वहां पर नहीं गए। उसकी वजह यह है कि एससीओ के क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो टूटे फूटे से उन्होंने अपने आखिरी जो उन्होंने तीन निकात उन्होंने पेश किए कि हम इकॉनमी का करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं करेंगे। हमारे आपने देखा है शहबाज शरीफ साहब वहां पे गए थे, कुछ ना कुछ तो मांग रहा था अल्लाह के नाम पे, उन्होंने आटा दे दिया। उन्होंने आटा तो नहीं, उन्होंने कहा गंदम ले जो पीस खुद लेना इसको। वहां पे हुआ क्या है, इस वक्त रशिया दो चीजें उनकी है इस वक्त ख्वाहिश, कि हमारे दरवाजे पे हमारे नजदीक नेटो की एक्सपेंशन ना हो, एक उनकी ख्वाहिश ये है। दूसरी उनकी ख्वाहिश ये है कि वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो बाल्टिक स्टेटों में जो पहले रशिया का हिस्सा थे उसके आसपास ना आए, चाइना इन्फ्लुएंस गेन ना करे। क्योंकि अमेरिका में बाबा बाइडन है, इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया है, चाइना और रशिया उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो अमेरिका से डील करेंगे, जब अमेरिका खत्म कर लेंगे वो उसका वैक्यूम को, फिर आपस में लड़ेंगे। ये दुनिया का फ्यूचर है, और उसमें मोदी साहब का जो दौरा है, दो दिन की समिट होगी वहां पे, और मेरे ख्याल में 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है, मोदी साहब जा रहे हैं। जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर इंडिया के रिलेशनशिप चाइना से बेहतर होंगे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी रिजॉल्व किया हो जाएगा। इस वक्त भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो इश्यूज से निकलकर इकॉनमी पे तवज्जो दे। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, आज की बात नहीं है, कुछ सालों तक, कुछ 1-2 साल तक 3 साल तक मोदी साहब के पीरियड के अंदर ही चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे। लेकिन साथ ही साथ इंडिया एक काम ये कर रहा है कि किस तरह मॉस्को को बीजिंग से दूर रखना है। ये जो व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो समिट हो रही है, ये इसमें जारी बात है
इंडिया बार बार एक कहेगा कि जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं वो ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग टर्म हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है इसको प्रिविलेज्ड स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड। और दूसरी तरफ चाइना और रशिया के जो आपस में बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी नजर रख रहे हैं। एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव ये है कि जो इंडिया रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें चाइना के ऊपर कॉन्टिन्यूसली प्रेशर डालना कि वो मिलिट्री हार्डवेयर ना सप्लाई करे, कोई लंबी चौड़ी डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना दे, और क्योंकि रशिया को एक पराया स्टेट बनाना चाहते हैं, अमेरिका कॉन्टिन्यूसली उस पर लगा हुआ। लेकिन चाइनीज इस चीज़ को समझते हैं। सो ये जो अभी मोदी साहब का विजिट है इसके अंदर ये चीज़ें हैं। सो किसी किस्म का भी जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है उसमें रशिया जो है क्या वो चाइनीज साइड लेगा, ये वो एक सेंट्रल सवाल है जिसको नरेंद्र मोदी एड्रेस करना चाहते हैं। जब अमेरिकन्स ने नरेंद्र मोदी से ये कहना शुरू कर दिया कि रशिया से तेल ना खरीदें, तो नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ का पता था कि मुस्तकबिल में जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में होना है उसमें रशिया फैक्टर जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर रशिया एक पराया स्टेट है, क्योंकि वेस्टर्न ममालिक ने तो उसको आइसोलेट कर दिया, एक ही मुल्क रह जाता दो, वेस्टर्न ममालिक के जो करीब मुल्क हैं उसमें इंडिया रशिया को मेन स्ट्रीम करता है और चाइना वैसे मेन स्ट्रीम करता है। सो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली इंडियंस जो रशिया के करीब आते हैं दे वॉन्ट टू मेक इट श्योर कि ये ना हो कि चाइना और रशिया की दोस्ती इतनी बढ़ जाए कि कल को रशिया चाइनीज साइड पे खड़ा हो जाए। ये चीज़ें मोदी साहब ये एंगल है जिसको मोदी साहब कंट्रोल करना चाहते हैं, या ये वो एंगल है जिसको वो समझते हैं कि हमें इसका ध्यान देना है। कई बार हमने ये भी देखा कि अमेरिका की तरफ से भी कई ऑब्जेक्शंस किए गए रशिया और भारत के ताल्लुकात को लेकर या उनके टर्म्स को लेकर, तो कितना स्ट्रॉन्गली जो है इस बार आपको लग रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ेगी? पहले से ज्यादा नुकीली, पहले से ज्यादा तीखी, पहले से ज्यादा तटस्थ और पहले से और ज्यादा इम्प्रोवाइज करके हमारी विदेश नीति आगे बढ़ेगी। और रही बात रशिया विजिट की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए रशिया के संग हमारा पुराना पार्टनरशिप रहा है, रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी हम लोगों ने रशिया के संग कोई भी किसी भी प्रकार के अपने संबंध है वो खत्म नहीं किए। और अभी जब आप विजिट करेंगे प्रधानमंत्री जी तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर एग्रीमेंट्स भी होंगे, और भारत और रशिया के जो एक मित्रवत संबंध है उनमें एक नया अध्याय जुड़ने,